बज रहे हैं सुबह के 8:30 और तारीख है आज 12 तारीख 12 मई। और अभी बस सुबह सुबह अपना रूटीन फॉलो कर रही हूँ, मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी विद लेमन और बस फ्रेशन अप होते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, तो हो गई मैं तैयार व्यार, नहा वहा लिया मैंने और आज मैंने वर्कआउट मिस कर दिया क्योंकि आज मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, हम दोनों को मिलकर कुछ काम करना है तो वो आज आने वाली है, तो इसीलिए आज मैंने वर्कआउट मिस कर दिया क्योंकि अगर मैं वर्कआउट करने बैठ जाती तो फिर पूरा टाइम चला जाता। अभी बज रहे हैं 10:30, तो टाइम चला जाता तो मतलब कॉफ़ी हम मिस नहीं करेंगे, जब वो आएगी तो हम बैठ के साथ में कॉफ़ी पियेंगे। फिलहाल वो आने वाली होगी, थोड़ी देर में आई जाएगी, फिर आती है तो मैं आपसे मिलाती हूँ। वैसे आप उसको अच्छे तरीके से जानते हो, आप कई ब्लॉग्स में उसको देख चुके हो। हिंट दे दूँ, आलू। चलिए मिलते हैं। कौन सी है? आपका प्रदर्शन बनेगा, आ जाओ। सबसे पहले मैं नेम प्लेट पढ़ी। नेम प्लेट नीचे? अच्छा ओके, हाँ ठीक है ना, चिल्लाती क्यों, कितना चिल्लाती है तू। बैठ जा, बैठ जा, पंखे के नीचे बैठ। कारी बन के क्यों आई है तू मेरे घर पे? संस्कारी बन के क्यों आई है? मुझे ऐसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है, मन नहीं था, सब समझ में आता है मुझे, तेरे दिमाग का जो कीड़ा है ना, आई नो इट्स इन एवरीथिंग। और चाहिए? मेरा आलू आ गया, इधर देखना, पढ़ाकू बच्चा, इतना पढ़ाकू ये है नहीं जितना पढ़ाई में लीन दिख रहा है। आए बोल। चल चल पढ़ाई कर, अभी पढ़ाई करना है। पढ़ी गई हूँ ना देखो दोस्तों, ये पढ़ाई नहीं कर रही है, यहाँ पे टाइम पास करना चालू कर। पढ़ाई कर, दिख रहा है ये फोन में नहीं दिखेगा, है भी नहीं, पढ़ाई कर। बहुत ही पढ़ाकू बच्चा यहाँ पढ़ाई करते हुए, बंद कर, गंदा दिख रहा है। प्रोटेक्शन ग्लास है ठीक है, आंखें सही रहती है उससे। इतना सारा डेटा नहीं लिखना, 80 पेज लिखना है, लिखना है, कॉपी पेस्ट कर यहाँ से सीधा। देखो आंटी, ये पढ़ाई करने के बजाय घूमने के प्लान बना रही है, कहाँ है? मनाली, अहमदाबाद, अहमदाबाद में कह रहे, दुबई, पता नहीं। अरे बहुत ही सस्ता है। न्यूयॉर्क तो बहुत सस्ता है। मैं ऐसे तो डालूंगा ना, अभी तूने यही पहना है तो यही पहनूंगा। देखो तो सामने शीशे में, आए बोल, उधर मैंने जूम किया है। अबे तेरा हाथ भी आ गया इधर से। मैं सिंसियरली काम कर रहा हूँ, मैं एक नल्ले बच्चे से इसको परेशान कर रहा हूँ। बता दूं, मेरे को चश्मा नहीं है। उन लोगों को पता है ये चश्मा मैं तब पहनता हूँ जब मेरे को ऐसे कंप्यूटर पे काम करना होता है। चिल्ला के बता रही है, इसको चश्मा है, अब तो यही समझ लो। अबे तेरा ये जो चश्मे का वो है, ये मेरी शर्ट से मैच कर रहा है। कॉपीराइट आ जाएगा, मैं बंद कर देता हूँ गाने का। ही मैं और मेरा आलू खाना खाते हुए, ना शर्मा जाता है ना देर से, तो क्या ही बोलूँ। अच्छे खट्टी है ना, हल्की तीखी है, ज़्यादा नहीं और मीठी भी है। चल कॉफ़ी पीते हैं, कामकाजी बच्चा हमारा, चल कॉफ़ी पीते हैं। भाई ये भोली सी शक्ल के पीछे एक बहुत ही चंट बच्चा है, है ना आलू? हाँ बोल। तो शक्ल से ही लोगों को लग रहा रहेगा, बट आंटी और मैं जानते हैं। इतनी तो खबर ये है कि चैताली मेरी कॉफ़ी ट्राई करेगी। नहीं है, सुनने वाली नहीं। उसने मुझे हाँ बोला है, लेकिन अभी आप लोगों का थोड़ा सा शर्म आ रही है ना आलू? आज मेरी ये बहुत ही खूबसूरत सी कॉफ़ी ट्राई करेगी चैताली जी, कुछ कर ही नहीं सकते। एक बार ट्राई करने ना, कॉफ़ी से मन उड़ जाएगा। मैंने कड़वी कॉफ़ी जो है ना, मेरे को लगा चॉकलेट रहेगी, तो मैंने उस पर बोल किया था कप में।
अच्छा मैंने उसको टेस्ट किया इतना गंदा। अरे लेकिन उसके बाद तेरे पास अच्छी वाली कॉफी है ना, तो एक चम्मच भी नहीं, कुछ नहीं जाता। एक हट हट, एक चम्मच प्लीज प्लीज, एक सिप प्लीज प्लीज, एक सिप। यू आर माई सो मच बेस्ट फ्रेंड ना, चल ट्राई कर। सावधान होशियार खबरदार, चैताली जी हमारी कॉफी ट्राई करने वाली है। यार मतलब उबला हुआ पानी। कॉफी पी लीजिए आप, कॉफी पी लीजिए। इतना गंदा रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं थी। गंदी है ये, गंदी नहीं है। मैं रोज पीती हूँ ये कॉफी, ठीक है? ऐसे लग रहा है काढ़ा पी लिया मैंने। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ये। मम्मी वाली हरकत मत कर, ऐसे ही है वो। मेरी कॉफी कितनी प्यारी है। अच्छा ठीक है, ये वाली बता दे कैसी बनाई है भाई, अच्छी बनी है कि नहीं बनी। मास्टर शेफ वाले रिएक्शन देने नहीं बोले, मैं ट्राई कर। पहले तो वो शेफ करता है ऐसे सुनिएगा, तो ये से बाजू में लेके खाएगा जैसे कि पाज की बाजू वाली खा जाएगी। कैसे ध्यान से देखते हैं। अच्छी है, इससे तो बहुत ही अच्छी है। मीठी है प्रॉपर कि चीनी दूँ और चलेगा ना? एनिवर्सरी बाबू। ऐसे कंडीशन क्या खराब है, मतलब कपड़ा तो पहने है, सुंदर तो दिख रही हो एकदम। ऐसा नहीं है, आज तो आप गोरी दिख रही हो गर्मी लगने के बाद भी। सच्ची बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही भाई, सच्ची। मम्मी यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हुए अपने मदर्स डे का गिफ्ट जो मैंने एक दिन पहले ही दे दिया है। मेरे सब्र का बिल्कुल बिल्कुल सब्र नहीं है दोस्तों मुझमें। हेलो गाइस, तो मिल रहे हैं हम अगले दिन। और कल मेरी फ्रेंड आई थी, हमने काम वगैरह किया, उसके बाद शाम को एक्चुअली ना शाम को थोड़ी बहुत चीज़ें हुई बट मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था। हम काम कर रहे थे और वो काम में हम सब रह गया, मेरा ब्लॉगिंग भी रह गया बहुत। उस दिन लेट भी, वो कल उस दिन क्या कल ही कल लेट भी बहुत गई क्योंकि काम इतना ज़्यादा था वो। ए भाई ये गिलहरी कितनी बार डरा देती है मुझे, अंदर आएगी क्या बहन? हाँ तो उस हिसाब से कल वो बहुत लेट गई, आई थिंक 9:30 तक वो निकली थी यहाँ से, तो उस हिसाब से थोड़ा सा लेट हो गया था इसके लिए। और आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी, जैसे आपको मैंने थोड़ा ब्लॉग में बताया, मम्मी को विश करते हुए सुबह पापा जल्दी निकल गए थे तो मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखा पाई उन्हें। सो फिलहाल बस यही है, दोनों अपने अपने काम पे गए हैं और मैं पीछे अपने लेक्चर्स देख रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। और बस ऐसा ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है आज करने का क्योंकि उन दोनों का ही मन नहीं है, बिकॉज दीदी नहीं है अभी, तो दीदी के बिना कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो सकती, हर चीज़ इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए किसी का भी मन नहीं है सेलिब्रेट करने का, किसी का क्या, जिसका है एनिवर्सरी मेन उनका ही मन नहीं है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। बट उन्होंने बोला कि केक भी मत मंगाओ, बट मैंने बोला केक तो मंगाना पड़ेगा, बिना केक के तो काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने तो मना किया। मैंने बोला हाँ ठीक है नहीं मंगाऊंगी, बट अभी मैंने केक ऑर्डर किया है और थोड़ी देर में केक आ जाएगा। फिलहाल 6 बज रहे हैं, फिर से यार लेट हो जाए इससे जल्दी मंगा के फ्रिज में रख लूँगी। सो थोड़ी देर में आई थिंक 10-15 मिनट में केक आ जाएगा, देखते हैं। डांट पड़ेगी तो थोड़ा सह लेंगे, लेकिन सेलिब्रेट तो करेंगे, सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा। सो बस अभी केक वगैरह आएगा, क्या बोल रही हूँ मैं, फंबल बहुत मारने लगी हूँ मैं आनी, तो केक वगैरह आएगा फिर आपको भी दिखाती हूँ, पहले आपको दिखाऊंगी फिर उसके बाद मम्मी पापा देखेंगे इस बार। ओके तो देखिए मेरे हाथ पे कितने अच्छे धूप के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, पीछे भी आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा अभी हुआ है, ज़्यादा धूप भी नहीं लग रही है और जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं ना ये बहुत अच्छे हैं। सो बस यही चल रहा था काम वगैरह, और बस कल का दिन वैसे अच्छा गया। चैतू आई थी तो मस्ती तो बहुत, ऐसे मस्ती तो बीच बीच में होती रहती है, कितना भी काम हो दो दोस्त अगर बैठे हैं साथ में तो बिना मस्ती किए चीज़ें तो कंप्लीट होती ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पीजे गंदे जोक्स मारे हमने और उसी में काम हो गया फाइनली। लेकिन जिस चीज़ के लिए काम के लिए हम दोनों बैठे थे वो काम हो गया, मेन इंपॉर्टेंट वो था, क्योंकि वो एक दिन में होने जैसा था नहीं, लेकिन हम दोनों ने मिलकर वो कर लिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कितना भी लेट हुआ उसको लेकिन काम हो गया तो बढ़िया हो गया भाई। तो बस यही है। और ये देखो मेरे जो पौधे हैं ना ये धूप में कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे पता है मैं आपको व्लॉग्स में कई बार ऐसे पौधे दिखाती हूँ, मैं ऐसे बहुत ही अपने पौधा ऑब्सेस्ड हूँ, पौधा ऑब्सेस्ड ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन मैंने अभी भी बनाया है।
ऐसा सनलाइट में ना मेरे पौधे बहुत ही क्यूट दिखते हैं, मैं आपको दिखाई देती हूँ। क्यूट जैसा पौधे में कुछ नहीं होता, लेकिन मैं दिखाऊंगी। ये वहाँ से जो ये लाइट आ रही है ना, इतनी सुंदर दिख रही है ना, उसकी वजह से मेरे पेड़ पौधे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं उसकी वजह से। और ये जो है ना, ये सेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल है, पूरी ग्रीनरी से भरा हुआ है ये। मैं सोच रही हूँ कि अभी कॉफ़ी तो मैं पी चुकी हूँ, एक बार से तो कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी भी नहीं फिलहाल। एक काम करती हूँ कि मैं आज ग्रीन टी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैंने ग्रीन टी बनाई नहीं है। शाम के टाइम मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है, वैसे कर तो मैं यही रही होती हूँ ज़्यादातर, या फिर कुछ ना कुछ शूट होता है, लेकिन आज हम ग्रीन टी बनाएंगे। ये हमने ले ली है इलायची, ये ले लिए है थोड़ी सी दालचीनी, और ये रहा अदरक। सो चलते हैं अभी। सो यहाँ मैंने अपनी ग्रीन टी में डाल दिया है अदरक, दालचीनी और थोड़ी सी इलायची। अब इसे हम करेंगे थोड़ा अच्छे से बॉईल। और यहाँ मैंने तब तक ग्लास में निकाल लिया है एक चम्मच हनी और आधा लेमन, और ये हमारी ग्रीन टी भी निकाल ली है। और यहाँ पे हमारा जो पानी है वो लगभग काफ़ी हद तक उबल चुका है, थोड़ा सा और उबलता है उसका, कि सारे के सारे जो हमने डाले हैं चीज़ें उसकी एसेंस अच्छे से आ जाए। तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आ चुका है। तो अब हम करेंगे गैस बंद, ग्रीन टी डालेंगे और इसको ढक देंगे। 5 मिनट बाद आके हम अपनी ग्रीन टी लेते हैं। तो अपने ट्रे तैयार कर लेते हैं। मैं ना बहुत ऐसे सिस्टमेटिक टाइप की हूँ, मैं अगर अकेली रहूँगी या मेरे साथ 5 बंदे होंगे, मेरे को हर चीज़ सिस्टमेटिक चाहिए होती है। ट्रे में इस तरह प्रॉपरली कटोरी में कुछ रखो, साथ में एकदम ऐसे, मतलब चाहिए होता है, मतलब सब से बराबर चाहिए होता है, कोई चीज़ एडजस्टमेंट नहीं चलती है। एडजस्टमेंट वाली चीज़ थोड़ी सी दिक्कत है मुझमें, कि एडजस्टमेंट ऐसे चीज़ों में नहीं होता, कि अगर घर बिखरा हो तो कोई चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर नहीं है, कहीं और है, तो मुझे चलता ही नहीं है। मतलब मेरा दिमाग ना वहीं पर अटका हुआ होता है, मुझे पसंद ही नहीं आता। और तब जब तक वो चीज़ सही नहीं होगी ना, तब तक मैं वहीं पे मेरा दिमाग अटका हुआ होगा, और मैं जाकर उसको सही करूँगी, चाहे कितना भी कुछ और इम्पोर्टेंट काम हो, आई विल डू दैट ओनली। ये है मेरी प्रॉब्लम है ये। और एक बस ये चाय के बनने का वेट कर रही हूँ, तो मैं सीधा लेके जाऊँ, क्योंकि फिर एक बार लेक्चर देखने बैठेगा तो फिर बार बार पॉज 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 करके वो फिर मज़ा नहीं आता, तो इसलिए इसके बनने का वेट कर रहे हैं। और मेरे चेहरे पर बड़ी सुंदर सी लाइटिंग आ रखी है, यहाँ विंडो है तो यहाँ से लाइट आ रही है, ऐसे हाफ हाफ लिट हो रहा है मेरा चेहरा, यहाँ से रिफ्लेक्टर दो के तो और आ जाएगा। ये मेरी फोटोग्राफी वाली बात में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं मुझे लगता है, ठीक है। हाँ वेट कर लेते फटाफट। अरे यार आप लोग मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स यार हो, इतने सारे मेरे पास 5,000 के ऊपर सब्सक्राइबर, लेकिन मेरा व्लॉग कोई देखता क्यों नहीं है, आखिर बात मुझे समझ में नहीं आती। 5,040 के ऊपर ही है मेरे सब्सक्राइबर, 46 है, 5,046 सब्सक्राइबर है मेरे, लेकिन मेरा व्लॉग सिर्फ बहुत ही चुनिंदे लोग देखते हैं। मुझे लगता है मेरे खानदान वाले या मेरे परिवार फ्रेंड्स वाले ही ना हो, ऐसा लगता है कभी कभी, बहुत ही कम लोग देखते हैं लिटरली। तो यार मेरे व्लॉग्स तो देखो यार, इतने आपने अगर सब्सक्राइब किया ही है, मतलब लोग उल्टा बोलते हैं कि आपने देख रहे हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरा उल्टा चल रहा है यहाँ पे। भाई मेरे को सब्सक्राइब कर लिया, देखो भी तो, मतलब बहुत ही कम व्यू आते हैं, कभी 16 से ज़्यादा यूजुअली आते नहीं है, कभी 20-25 आ गए, ऐसा होता है। तो यार व्लॉग्स देख लिया करो यार, बड़ा बुरा लगता है यार, क्योंकि बनाने के बाद एडिट करने में बड़ा समय जाता है, मेहनत लगती है, तो फिर वो डीमोटिवेशन लगती है कि यार बनाओ कि नहीं बनाओ, व्यूज़ ही नहीं आते। तो यार थोड़ा देख लिया करो, तुझ ही देख लिया करो यार। तो ये है एक यूट्यूब चैनल जो बहुत ही अच्छा इंग्लिश सिखाने में बहुत अच्छा सिखाता है यार, तो मुझे लगता है कि आपको जितनी भी इंग्लिश आती हो बहुत ही कम होती है, तो आपको हमेशा सीखती रहनी चाहिए। तो फिलहाल मैं एक वीडियो देखूंगी जो कि आधा घंटे का है, थोड़ा ही देख पाऊंगी, पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं खाते पीते अपना जो भी। तो अभी हो गया होगा, हम चाय भी लेके आते हैं। हमारा
सेटअप भी रेडी है। सो हियर इज द केक, केक आ गया है और अभी मैं भी देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि केक आखिर देख कैसा रहा है। लेट्स सी। ओके सो इट्स लुकिंग लाइक दैट। अच्छा दिख रहा है और सच में स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। स्मेल की बात उसके बाद मैंने अपने काम किए, फिर मम्मी पापा दोनों आ गए और मैं उनके सामने केक लेके आ गई। और यहाँ पापा मम्मी को दे रहे थे रोज़, एनिवर्सरी थी तो रोज़ देना तो बनता भी था, तो मेरे पापा उन्हें रोज़ दे रहे थे। और बस उसके बाद हमारी केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई। लेकिन ऑफ कोर्स केक से पहले केक के साथ उनके फ़ोटो लेना तो बनता था, तो यहाँ पर फोटोग्राफर अपनी ड्यूटी निभाते हुए फ़ोटोज़ खींच रही थी मैं बहुत सारी। और उसके बाद फिर हमने केक कट किया और इस टाइम पे दीदी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि कोई भी ऐसा फंक्शन हो और दीदी ना हो ये पॉसिबल नहीं होता, बट ठीक है।